नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप लोगों का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं। रुद्राक्ष को किसको धारण करना चाहिए और रुद्राक्ष धारण करने का तरीका क्या है। दोस्तों, जैसा कि हम आपको विदित हैं कि आज के दैनिक जीवन में हमारी सत्य सनातन संस्कृति में हमारी जो परंपराएँ हैं, जो हमारी रीति रिवाज परपाठी मर्यादा रही है, हम उसके अंतर्गत कहीं न कहीं किसी पंडित से, किसी ज्योतिष से सलाह लेकर हम रुद्राक्ष धारण करते हैं। और हम ये जानना चाहते हैं कि रुद्राक्ष कौन धारण करे और किस लिए धारण करे, और रुद्राक्ष के प्रकार के बारे में, जैसा कि रुद्राक्ष 16 प्रकार के होते हैं, एक मुखी, दो मुखी, ऐसा लेकर 16 मुखी तक रुद्राक्ष होता है, और उसमें कौन सी मुखी रुद्राक्ष में धारण करने से हमें क्या लाभ मिलने वाला है और किसको धारण करना चाहिए। दोस्तों, रुद्राक्ष को धारण करने वाले के जीवन से सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में है, और व्यक्ति के व्यक्तिगत लाइफ में भी, व्यक्तिगत जीवन में भी उनको इसका अनुभव है। जैसा कि दोस्तों, शिव महापुराण के ग्रंथों में कुल 16 प्रकार के रुद्राक्ष बताए गए हैं, और सभी के देवता, ग्रह एवं राशि उनके अलग अलग हैं, उनके अलग अलग बताए गए हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में एक मुखी रुद्राक्ष और दो मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताऊंगा कि एक मुखी रुद्राक्ष को किसको धारण करना चाहिए, इनके देवता कौन हैं, इनके स्वामी कौन हैं, इनके ग्रह कौन हैं, और दो मुखी के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष दोस्तों, इसको पहनने से शोहरत, पैसा, सफलता की प्राप्ति और ध्यान करने के लिए सबसे अधिक उत्तम होता है। एक मुखी रुद्राक्ष पहनने से आपके जीवन में, आपका जीवन जो होगा वो सुखमय होगा, धन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, और इससे आपके जीवन में आने वाली जो भी संभावनाएं हैं सफलता की, वह ज़्यादा बढ़ जाती है। इनके देवता जो हैं दोस्तों, भगवान शंकर हैं, ग्रह जो हैं सूर्य, और राशि जो है सिंह है। दोस्तों, एक मुखी रुद्राक्ष जब आप धारण करें, इनका जो मंत्र है ओम ह्रीम नमः, डिस्क्रिप्शन में आपको यह मंत्र मिल जाएगा प्रॉपर, ओम ह्रीम नमः। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करते समय आप इसको, इस मंत्र को आप बोलिए। दो मुखी रुद्राक्ष की बात करते हैं दोस्तों, जो भी व्यक्ति दो मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं, दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने के बाद इसे आत्मविश्वास और मन की शांति के लिए धारण किया जाता है। इसके देवता जो हैं भगवान अर्धनारीश्वर हैं, इनके जो ग्रह हैं वो चंद्रमा है, और राशि जो है कर्क है। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को शोहरत, पैसा, सफलता की प्राप्ति होती है। दो मुखी रुद्राक्ष जो व्यक्ति धारण करता है उसके जीवन में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, मन में शांति मिलती है, और जो दो मुखी रुद्राक्ष धारण किया जाता है इसीलिए किया जाता है। इनके जो देवता भगवान है अर्धनारीश्वर हैं, इनके जो ग्रह है वो चंद्रमा, और जो राशि है वह कर्क है। इस दो मुखी रुद्राक्ष को धारण करते समय जो मंत्र करना है ओम नमः, मंत्र जो है ओम नमः है। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको एक मुखी और दो मुखी के बारे में बताया हूँ। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगे। आगे जितने भी रुद्राक्ष हैं, जैसा मैंने बताया 16 मुखी के रुद्राक्ष हैं, उनके बारे में हर वीडियो में आपको बताता जाऊंगा। हर वीडियो में दो मुखी या तीन मुखी, तीन तीन वीडियो में ऐसा बताता जाऊंगा, तीन तीन रुद्राक्ष के बारे में बताता जाऊंगा। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी। अच्छी लगती चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों।